वाला ये जी इनका चैनल है काला मुंडा 123। तो वाह सही, वाह वाह सही, तीरंदाज हो ना, तीरंदाज, हेडशॉट मारा है फराज भाई ने, सीधा हेडशॉट दे मारा है इसको। और ये पहले ही शॉट पे नीचे नहीं है तेरे का। आपके पास हो गए हाँ, मुझे पता उस दिन आपने फोन किया था चौके पे, थोड़ा सा नजदीक आ गए हैं तो इनकी बना व्लॉग में हम। यार फुरकान भाई को चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फुरकान नसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चोखरा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, खुश पाश होंगे, फिट होंगे अल्लाह की करम से। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और मैं बैठा हुआ हूँ घर, तो गर्मी जो है इस टाइम फुल अरूज पे जा रही है और साथ में पसीना वगैरह जो हमें आया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। तो घर पे चल रहा है काम और आपको भी जैसे कि पता है मम्मी हाल वाल पूछ रही है और बेचारे मजदूर जो हैं लगे हुए हैं इस टाइम, और पीछे का जो सीन है कोई आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आयरा लगा दिया है, वहाँ से भी आयरा लगा दिया साथ में, और इतनी सारी रेत निकली है यहाँ से, रेत का पहाड़ बना हुआ है। तो आधी अभी बाहर निकाल दी है, तो इसका मसला ये है क्योंकि ये रेत है, इससे रेत से भराई की हुई थी, तो जैसे यहाँ पे पहाड़ जो है ना गिर जाती है। सुबह से लगे हैं मैं मुर्शिद भाई, एक ये हमारे भाई हैं और एक ये हैं, ठीक है। तो ये रेत निकाल निकाल के ना इनका बुरा हाल है। तो अभी खैर से ये दो आयरे लगेंगे इधर, वैसे अलग अलग लगता लेकिन रेत गिर रही है तो बार बार, इसलिए जो एक ही कर दिया आयरा और दीवारें अलग अलग डाल देंगे साथ में। फिर वो जो आयरा है और ये निकाला है, ये कमरे की दीवार है, तो ये जब हम इसकी फिलिंग कर देंगे, आयरा भर देंगे इसका, फिर जाके उस तरफ जो है आयरा निकालना है कमरे का, क्योंकि रेत का पहाड़ बन जाएगा जब ये हो जाएगा तो इसको यहाँ पे डाल देंगे, तो फिर जो है आगे से शुरू करेंगे काम को। तो ये पहले बिल्कुल साफ़ किया हुआ था इन्होंने, वहाँ से गिरा है फिर आके ये भर गया। अभी ये सब इसको निकाल रहे हैं और देखते हैं कब तक इसको निकाल लेते हैं। और सबसे मुश्किल काम यही है, मतलब कि खुदाई का और कचरे का। तो आधा इन्होंने निकाल दिया, आधा ये भी रेत लगी हुई है, यहाँ पे भी रेत है, वो देखिए सामने इन्होंने निकाला था फिर से गिर गया। तो मैं फिर से आके बैठ गया हूँ यहाँ पे, मुर्शिद दोनों मुर्शिद हैं, दोनों लगे हैं मैं, और सुबह से रेत निकाल रहे हैं, रेत इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, और साइडों से जब आयरा को मतलब आयरे हैं जो इसके उसको खोदते हैं तो ऊपर से जो पड़ी होती है वो फिर से आके यहाँ पर गिर जाती है। तो खैर लगे हुए, अब देखते हैं कब तक ये सफाई कर लेते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम जो है ना वो खुदाई का होता है, उसके तोड़ाई का होता है, फिर वो कचरा निकाला, फिर खुदाई की, फिर उसकी जो रेत वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई वो सारी बाहर निकालनी है, फिर जब ये आयरे वगैरह भर जाएंगे ना फिर जाके जो काम है वो कोई सुर में आएगा, कोई सीधा होगा और जल्दी से ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक तू सुना, ठीक है तेजे दा प्यू ही तेजे दा पोट रहे थी, अच्छा बिरा आई थी, एडिया 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 तल्लो लाया दिया तल्लो। तेजे दा प्यू ही बिरा तेजे दा, हाँ बाज गया है तो काम छोड़ते, काम वादा करते शुरू हो बाज गया चुंगे घनी जाड़ी रहने वाह वे अक्षय कुमार दा पोटरी राजेश खन्ना दा, अच्छा जाम हुआ काम देख बंदे थे यार क्या कर सकते हाँ। तो दोस्तों ये था तेजे का भाई और तेजे का भी बाप था बल्कि, तो उसको मैंने बोला तेजा फ्राडी है तो फिर कह रहे नहीं यार तेजा फ्राडी नहीं है। तेजे ने, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था, तेजे ने हमारे साथ जो है वादा लिया हुआ था काम का, लेकिन वो काम रास्ते में छोड़ के आ गया था। क्या की आइडिया तेजे नंबर ही नंबर नहीं बोला फोन की मैं करा से नंबर मेरे पास नहीं है उसका नंबर, इधर इधर उर्दू में गिलाओ फिर फोन करूंगा उसको। उर्दू में आती है, उर्दू में गिलाओ उर्दू क्या आता है मुझे नहीं पता, नंबर मेरे पास नहीं है तेरे का। आपके पास हो गया नंबर हाँ मुझे पता।
तो दोस्तों टाइम हो चुका है शाम का और मुर्शिद वाले छुट्टी कर चुके हैं और इन्होंने जो है यहाँ से रेत वगैरह जो है उठा ली थी जो यहाँ पे नीचे थी वो इस तरफ फेंकी है और जो इधर पड़ी हुई थी उसको उधर डाला है क्योंकि जगह है नहीं तो उन्होंने छुट्टी कर दी है। तो सब सुबह देखते हैं क्या काम करते हैं वो। दोस्तों आज का काम जो है ना उन्होंने यहाँ तक किया है और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना काम मतलब जारी है। तो दूसरी बात कर रहे थे कि ये पड़े हुए इनको चल के अंदर रख देते हैं और इनको रखने के बाद आज हम करेंगे फसलों का विज़िट। यहाँ पे जो बाग है देखते हैं आम वगैरह लगे हुए हैं नहीं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं इस तरफ नहीं गए हम। तो पहले इनको रख देते हैं और इनको रखा हुआ है इनके लिए मज़दूरों के लिए और ये मज़दूर वगैरह जब तक ये गाना नहीं सुनते ना उनके काम की स्पीड नहीं बढ़ती। तो पहले इसको अंदर ट्रांसफ़र करते हैं कोई ले ना जाए यहाँ से आके। तो इनको रख के फिर चलते हैं हम बाहर फसलों की तरफ। बिस्मिल्लाह काला मुंडा 123। तो इनका इन्होंने अभी शॉर्ट डाले हमें तो इनका व्लॉग जो है अभी तक मतलब पेंडिंग में जो एडिटिंग वगैरह होगी तो फिर ये 4100 इस पे व्यूज़ आ चुके हैं इसके एक शॉर्ट पे। तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें इसे सपोर्ट करें और साथ साथ हमें भी करें तो इंशाल्लाह आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे अच्छे व्लॉग डालेंगे। ठीक है तो कोई एक लाइन कहें फिर हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। बस ये कहना चाहते हैं कि दुकान स्टाइल थोड़ा स्टाइल मार के ना यार तो ये इसको मोबाइल दे रहे हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम। यार फुरकान भाई को चैनल को सब्सक्राइब करिया करें। थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़। तो ये फराज साहब हमें वहाँ से मिले हैं वहाँ पे खड़े हुए थे तो उनको मैं ले आया हूँ और इससे कोयल की आवाज़ भी आ रही है कुकू कुकू की वह। तो हम यहाँ पे ढूंढने के लिए आए थे आम मतलब इमली। वाह सही वाह वाह सही तीर अंदाज हो ना तीर अंदाज हेड शॉट मारा है फराज भाई ने सीधा हेड शॉट दे मारा है इसको और ये पहले ही शॉट पे नीचे है। क्या बात है सर जी आपकी तो आपको दर्तरुल ड्रामे में जाना चाहिए। वैसे ये क्या कारगर्दी है एक ही शॉट पे नीचे पबजी खेल खेल के या एक कुदरती लग गई है। तो ये आम जो है ना फराज भाई ने एक ही दफ़ा उसको पत्थर मारा है ऊपर से और एक ही दफ़ा में ये नीचे आ गिरा है और इसका जो पानी निकल रहा है ना ये वाला पानी इससे बचना चाहिए। ये अगर आपके हाथ पे या कहीं पे लग जाता है तो ज़ख्म बन जाता है छाला टाइप बन जाता है। तो ये फराज भाई का ये गिनो से अपना इनाम तो लिखा ये है जी केड़ा है डॉक्टर है लकड़ा है कपड़ा है। तो इसकी भी किस्में होती है एक लंगड़ा होता है एक मंडा होता है और एक कलमी होता है ये पता नहीं कौन सा है बहरहाल। तो ये यहाँ से इसने उतारा है अभी कम नज़र आ रहे हैं अंधेरा हो चुका है शाम का टाइम है और ये लगा हुआ है बूर। ठीक है ये बूर लगता है तो बूर लगने के बाद जाके फिर जो है ना ये लगता है आम। ठीक है तो फराज भाई ने निशाना मारा ये इसका नाम है ये उसको दे देते हैं। आओ सही मेरा सोना। ठीक है तो फराज भाई ने एक पट्टा सा हेड शॉट मार के ना आम को नीचे गिरा दिया तो वो सामने आ रहे हैं अब्बू और चाचू वॉक पे शायद गए हुए थे तो कैमरे का रिज़ल्ट थोड़ा सा माड़ा मोटा है तो इसलिए जो है ना हिल रहा है और साफ नज़र नहीं आ रहा। ये शायद आज वैसे तो यहीं पे नज़दीक पे वॉक कर रहे होते लेकिन आज दूर चले गए थे सैर सपाटा करने शायद। ठीक है और एक चाचू इधर जो है वो वॉक कर रहे हैं पहले अबू वाले भी यहाँ पे कर रहे होते शायद इनको देख के वो आगे चले गए थे वो सामने आ रहे हैं दोनों।
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। दोस्ती तो अभी चलते हैं, फार्म का टाइम हो चुका है, मगरब की अजानें हो चुकी हैं और निकलते हैं फार्म पे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड, मिलते हैं चल नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है या नहीं भी आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ये जो आपने पट्टा था हेडशॉट लगाया ना, उसका शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब। थोड़ा सा नज़दीक आ गए हैं तो इनकी बना लेते हैं, फिर कैमरा बंद कर देंगे।